हज़रत जुन्नून मिस्री एक दफ़ा दरिया में शिकार कर रहे थे और साथ आपकी छोटी बेटी भी थी। जब दरिया में जाल फेंका तो एक मछली जाल में आई। बच्ची ने जब मछली को पकड़ना चाहा तो देखा कि वो मछली अपने दोनों होठों को हिला रही है, तो बच्ची ने उसे दरिया में फेंक दिया। हज़रत जुन्नून मिस्री ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तूने हमारी मेहनत को ज़ाया कर दिया। बच्ची ने अर्ज़ किया कि जो चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र करती हो, मैं उसे खाने के लिए राज़ी नहीं हूँ। हज़रत जुन्नून मिस्री ने फरमाया कि बेटी, अब हम क्या करें? बच्ची ने कहा कि हम अल्लाह पाक पर तवक्कुल करेंगे और वो हमें ऐसी मखलूक से रिज्क देगा जो अल्लाह पाक का जिक्र नहीं करती। बहरहाल हुआ यूं कि आपने शिकार छोड़ दिया और दोनों बाप बेटी शाम तक अल्लाह पाक पर भरोसा करके ठहरे रहे। शाम तक उनके पास कोई चीज़ ना आई। जब इशा का वक्त हुआ तो उन दोनों पर अल्लाह पाक ने आसमान से दस्तरखान उतारा। इसमें तरह तरह के खाने थे और ये 12 साल तक हर रात को नाजिल होता रहा। हज़रत जुन्नून मिस्री ने गुमान किया कि यह दस्तरखान शायद मेरी इबादत, नमाज, रोज़ा और फर्माबरदारी की वजह से नाजिल होता है, मगर जब आपकी बेटी फौत हो गई तो वो दस्तरखान नाजिल होना बंद हो गया। तब आपको मालूम हुआ कि दस्तरखान तो बेटी की वजह से उतरता था, ना कि मेरी वजह से। फिर आपने अपने गुमान से रुजू की, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रे, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है, बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है।